हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मनीषा ब्लॉग पर। मैं जा रही हूँ आज भिंडी का तो प्याजा बनाने। इसके लिए मैंने भिंडी काटी है और प्याज को दो सेप में काटा है और एक टमाटर को भी काटा है और दो टमाटर की प्यूरी बनाई हूँ। और हमने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, गरम मसाला, कसूरी मेथी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, खड़ी लाल मिर्च, पीसा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अजवाइन। देख सकते हैं हम कढ़ाई में तेल डाले हुए हैं भिंडी को फ्राई करने के लिए। जा रहे हैं हम भिंडी को फ्राई करने। भिंडी को हम लाल भूज लेंगे हल्का सा। देख सकते हैं हमारी भिंडी भून चुकी है। अब इसको हम निकाल देंगे। हम थोड़ा सा इस प्याज को भी भून लेंगे हल्का सा। हल्का सा भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्याज भी भून चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसमें हम खड़ी लाल मिर्च डालेंगे और जीरा डालेंगे और अजवाइन डालेंगे। इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से भून प्याज को डालेंगे। हमारा प्याज भून रहा है। अब इसको हम लाल फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा प्याज कितनी अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और टमाटर प्यूरी, अब इसको हम ऐसे करके इसको कुछ देर तक भूनेंगे। मैं हल्दी पाउडर और टमाटर प्यूरी डाल चुके हैं। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढककर हल्का सा भून लेंगे। आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तरह से भून चुका है ये सब। अब इसमें हम धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे और नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा पकने देंगे। अब इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। भुना हुआ भिंडी और प्याज हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी को ऐड करेंगे। इसमें हम ये कटा हुआ टमाटर को भी ऐड करेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा देर इसको पकने देंगे। बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। अब इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा से कुक हो चुका है, कितना टेस्टी है। इसको रोटी या राइस के साथ, किसी भी चीज के साथ इसको खाइए। ये बहुत ही टेस्टी है। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।